नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विशेष चैनल में आपका स्वागत है। हम हाजिर है फिर एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम नागफनी के फायदे के बारे में बात करेंगे। नागफनी का पौधा 5 से 12 फीट तक ऊंचा और सीधा बढ़ता है। इसकी कई शाखाएं निकलती है और ये कांटों से युक्त होती है। इसे मोटे मांसल और बड़े बड़े हाथों के पंजों के समान पत्ते लगते हैं जो कांटों से भरे होते हैं। ज्यादातर ये सूखे बंजर और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ज्यादातर इस पौधे को नागफनी, हथथुरिया नागफन, नागफोनिया और सप्पा तिलकी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसे नाग में जुदू, नाग मुल्लू और चितर थोर से भी जाना जाता है। इसका अंग्रेजी नाम स्लीपर थार्न और प्रिंकली पियर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम नागफनी के फायदे के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि नागफनी का पौधा सेहत के लिए किस प्रकार से फायदेमंद होता है। यदि खांसी और श्वास फूलने की समस्या होती है तो नागफनी के फल की छाल 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेकर सेवन करने से ये समस्या दूर होती है। इसके अलावा 10 मिलीलीटर की मात्रा में ताजे नागफनी के रस के साथ 2 गुना शहद और 350 मिलीग्राम टंकण मिलाएं। इसका 4 से 5 दिनों तक खाली पेट लगातार सेवन करने से खांसी और दमा रोग ठीक होता है। इसके फलों को भूनकर खाने से कुकर खांसी मिट जाती है। इसके फलों का शरबत बनाकर पीने से पित्त विकार शांत होता है। इसमें कैल्शियम काफी मात्रा में होने से इसका सेवन करने से हड्डियां मजबूत बनती है। दोस्तों, इसके फलों में फाइबर पाया जाता है जो पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और कब्ज दूर करता है। इसके अलावा यह शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और वजन कम करने में मदद करता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक गुजारिश है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, नागफनी के पक्के फलों का सेवन करने से खून की कमी दूर होती है, खून बढ़ता है। यह गठिया और जोड़ों के दर्द में भी लाभकारी होता है। इसके लिए इस पौधे का तना लेकर कांटे निकालें और इस तने को बीच में से फाड़कर हल्दी और सरसों का तेल भर दें। अब इसे गर्म करके प्रभावित स्थान पर बांधें। इस प्रयोग से जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द और घुटनों का दर्द तथा सभी प्रकार की सूजन में फायदा होता है। इसके अलावा 3 से 4 ग्राम नागफनी की जड़ के साथ मेथी दाना, अजवाइन और सौंठ, इन सबको 1-1 ग्राम की मात्रा में मिलाकर काढ़ा बनाएं और इस काढ़े का सेवन करने से सूजन और सभी प्रकार के दर्द में लाभ होता है। दोस्तों, जहाँ इसके फायदे है वहीं इसकी कुछ सावधानियाँ भी है। ये सारा पौधा कांटों से भरा होता है और ये तीक्ष्ण होता है। यह लग जाने से घाव पैदा करता है, इसलिए इसका उपयोग करने से पहले कांटों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी नागफनी के पौधे की जानकारी। जानकारी पसंद आने पर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।